हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं मशीन लगा रही हूँ, वो आप देख भी रहे हैं कि मैं मशीन लगा रही हूँ। पहले से भी इसमें कपड़े रखे रहते हैं, वो भी बाहर निकाल के फिर देखती हूँ, चेक करती हूँ कि मतलब कि पॉकेट में कुछ है नहीं, उसके बाद इसमें डालती हूँ। यहाँ पे उसके पापा भी हैं, उनसे भी मैं बात कर रही हूँ, वो ट्यूबवेल ठीक कर रहे हैं। अब मशीन में लगा के इधर आ गई हूँ। चाय मेरा बन के तैयार है, पहले सबको बैठ के चाय पियेंगे। सबको नहीं, मम्मी सुबह पीती है, बाद में नहीं पिएगी, केवल मेरा और पीयूष के पापा का चाय है। दाल मैंने भिगो दिया है, चाय पियेंगे तब। सब्जी भी काट लूँगी मैं, जो आप जानते हैं। ये देखिए करेले, सब्जी काट के मैंने मतलब धूप में रखे थे, हल्दी नमक लगा के। बहुत देर बाद का है ये, कम से कम 2 घंटा बाद मैं सब्जी बनाती हूँ धूप में रखने। पानी छोड़ देता करेला, तो वो करेला का पानी बाहर निकालती हूँ, निचोड़ के पूरा, उसके बाद धो के फिर छौंक लगाती हूँ। अभी तो मेरा करेला फ्राई हो रहा है, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं, क्या है कि रोज़ रोज़ तो मशीन लगाती नहीं हूँ, हफ्ता 10 दिन से लगाती हूँ, तो खूब सारा कपड़ा फिर हो जाता है। मतलब कि छोटा मोटा तो ज़्यादा नहीं रहता, पर जींस बेडशीट यही सब ज़्यादा रहता है, चादर यही सब। तो एक बार का मेरा धुल चुका, तो वो पहले मैं सुखा दूँगी, फिर दूसरी बार का अभी धुल रहा है, अभी धुला नहीं है। बीच में मुझे चारों तरफ किचन भी देखना है, उसके बाद भी बाहर का भी देखना है, कपड़े भी धोने, सब काम एक साथ होता रहता है। उसी हड़बड़ में मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सांस का तो वही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं डांट भी सुनती हूँ इस चक्कर में कि क्या ज़रूरी है तुमको एक साथ काम करना, धीरे धीरे करो, कहीं जाना है तुमको। यहाँ देखिए सब्जी मेरा लगभग हो बन चुका है, क्या कि मम्मी का पूजा हो गया है, दाल भी मेरा बन चुका है, सब्जी भी मेरा बन चुका है। तो सबसे पहले मैं मम्मी को नाश्ता दूंगी, क्या मेरा काम तो ऐसे चलता रहेगा, मम्मी बैठ के इंतज़ार करेगी। अभी आ गई है, बाहर बैठ गई है, अभी मैं नाश्ता निकाल दूंगी मम्मी के लिए। अब मैं दिखा भी दूंगी आपको, पहले कपड़े निकालूंगी एक बार का, मतलब कि 2 बार कपड़ा तो पूरा मैंने बाहर निकाल लिया। अभी जो आसन रहता है लास्ट में, तो मैं नीचे धो देती हूँ उसको, फिर उसमें ड्राई कर देती हूँ बाहर धोने के बाद। ये लास्ट का है आसन मेरा, निकालने के बाद, ड्राई होने के बाद मैं मशीन को साफ करके एक साइड कर दूंगी। मम्मी को मैंने नाश्ता दे दिया है, मतलब मम्मी बाहर आई नहीं है, मैंने निकाल के रख दिया है। अभी मैं सब्जी धो के रखूँगी, सब्जी तो वैसे काट लिया मैंने, अभी का खीरा आया था बाद में, तो वही मैंने नहीं धोया, तो अभी मैं धो दूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कपड़े मेरे धुल चुके हैं सब, सूखा भी दिए मैंने सब, मशीन को भी अभी साफ अंदर जाऊँगी तब कर दूँगी। अब मम्मी यहाँ नाश्ता कर रही हैं, अभी मुझे मशीन साफ़ करना है बस, उसके बाद मैं आइए। बहुत देर बाद का, मतलब कि तुरंत तुरंत सूट नहीं करती हूँ मैं, मैंने खाना पीना बना लिया, सबको दे दिया, उसके बाद का है। बेडशीट मतलब कि मैंने निकाल तो दिया था, पर दूसरा नहीं डाला है, दूसरा अभी अंदर आई हूँ तभी डाल लूँगी। मतलब तू अंदर भी मैं अभी आई हूँ सुबह, एक बार बेडशीट निकालने के बाद, तो पहले डालती कैसे, बाहर में काम कर रही थी। अभी बेडशीट यहाँ का डाल दूँगी, उसके बाद खाना भी उस लड़की को दे दूँगी, कि वैसे तो मेरा खाना बना हुआ, केवल चावल ने बना हुआ है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, दाल सब्जी तो बना हुआ, केवल चावल ने बना है। आज भी उस लड़की का स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, वो सुबह 7:30 बजे में गए हैं, तो दोपहर में जल्दी आ जाएंगे। तो उससे पहले पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाना बना दूँ, क्या क्या आने के बाद फिर लड़की को चावल चाहिए, वो रोटी नहीं खाना चाहता है, आने ही वाला है, वो टाइम हो गया उसका आने का। अभी पीयूष लक्की भी स्कूल से आ गया, खाना भी मेरा बन चुका है। खाना बनने से पहले पीयूष लक्की आ गए थे, चावल चढ़ा हुआ था, चावल बनने के बाद तुरंत निकाल के दोनों को दिया है, अभी दोनों खाना खाएगा। आज गया था जल्दी स्कूल 8 बजे। ए पीयूष ऐसे मत करो ना, मेरा दर्द है बाबू, एक तो थक हार के आओ, फिर ऊपर से तुम आके बैठ जाओ। अभी फुर्सत मिला तो अभी आराम करूँगी, बैठूँगी थोड़ी देर, फिर तो दिमाग मेरा भी स्थिर हो जाएगा, मत करो लकी। आए अभी भूख लगा हुआ था, खा लो जाके। अभी आते बोला है कि इससे अच्छा तो 3 बजे आता, तो कम से कम खाना बना हुआ तो मिलता। अभी आज थोड़ा जल्दी आया है, तो चावल बनाने में थोड़ा लेट हो गया मेरा, हालांकि चढ़ा हुआ था ये आया था, चावल मैंने चढ़ा दिया था, कि मैं जानती हूँ कि स्कूल से आते इनको खाना देना चाहिए भाई, क्या भूख लग जाता है बच्चों को, स्कूल में तो उतना खास कुछ खाता नहीं है, जल्दी स्कूल जाता तब तो, दोपहर में अगर रहता है तो फिर भी टिफ़िन अच्छा रोटी सब्जी ले के जाता खा लेता है। मम्मी भी बाहर जाके बैठ गई, मम्मी का नाश्ता पानी हो चुका है, सबका हो, मतलब कि पीयूष के पापा का मेरा नहीं हुआ, पीयूष लकी का भी खाना हो रहा है, मम्मी का हो गया है,
अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद खाऊँगी, तुरंत मुझसे नहीं खाया जाएगा। सब काम कंप्लीट है मेरा, केवल दीदी आई है तो अपना काम कर रही है, मेरा काम हो गया है। आज उनको दो दिन से लेट हो रहा, रात में भी लेट से आई थी, अभी भी लेट से आई, पता नहीं कोई काम होगा इसीलिए आती है, नहीं तो अपना आ जाती सुबह 10-10:30 बजे के बीच में। आज लेट आई है, पर कोई काम में लगी रहती तभी लेट करती है। अब हम मैं मिलूँगी आपसे सीधे शाम में बात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। ये शाम का है, मैं यहाँ बैठ के सब्जी काट रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी काट के रख दूँगी क्योंकि बाद में मच्छर हो जाता है तो बाहर में बैठ नहीं सकती हूँ। अभी मच्छर नहीं रहता है तो अभी काट के रख दूँगी सब्जी, अब फिर मेरा चाय बनाना, दूध गर्म करना वो काम हुआ नहीं है, सब्जी काटने के बाद मैं कर दूँगी। सब्जी क्या, यही लहसुन प्याज हरी मिर्ची यही काट के रख देती हूँ, सब्जी बाद में डिसाइड होता है कि क्या सब्जी बनेगा क्या नहीं। आइए, मेरे पास बैठ के प्याज खा रहा है, मैं प्याज काट रही हूँ, ये प्याज खा रहा है। इसको यहाँ पकड़ के रखना ज़रूरी है, ये भाग भाग के जाता है पानी के पास, अब पानी से इसको थोड़ा दूर रखना है। अभी भी इसका चोट ठीक नहीं हुआ, मतलब इसका जो घाव है वो ठीक नहीं हुआ है, पानी में रहेगा तो और ज़्यादा खराबी करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ इसको प्याज दिया है खाने के लिए। अभी झूला भी झूल लेगा थोड़ी देर में, नंबर नंबर से तीनों झूल रहा है। ये क्या है कि पीयूष के पार तो मतलब पीयूष के साथ तो झूलना चाहता है पर लक्की के साथ कम झूलना चाहता है, उस पर विश्वास नहीं है इसको, तो पीयूष बैठेगा तब ये भागेगा, लक्की झूल रहा तब ये नहीं भागेगा। अब पानी पौधों में मैंने पहले ही दे दिया है, इसके आने से पहले पहले ही कर देती हूँ मैं पानी वाला का। अभी देखिएगा जैसे पीयूष बैठेगा वैसे ही भागेगा। मैं यहाँ लगी हूँ अपने काम में, क्योंकि बहुत देर बाद का है, वो सब अपने अपने काम में, पीयूष लगी ट्यूशन गया है, मम्मी बाहर बैठी हुई वो चला गया अपने घर, मैं लगी हूँ अपने काम में। मैं बना रही हूँ यहाँ पनीर का सब्ज़ी, पनीर मैंने पहले फ्राई कर लिया, हल्का फ्राई कर लेती हूँ। मेरे यहाँ कच्चा पनीर का सब्ज़ी बहुत कम खाया जाता है, कभी कभार ऐसा होता जो मैं कच्चा पनीर का सब्ज़ी बना देती हूँ, पर पसंद फ्राई पनीर का ही किया जाता है। तो पनीर को पहले ही मैंने फ्राई कर लिया था, अभी मसाला पीस के रख लिया। साधारण सा सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा तामझाम नहीं लगाती हूँ, जैसे हर सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ये वाला बनाती हूँ, मेरे यहाँ ऐसे पसंद भी किया जाता है। हाँ, जैसे कोई ये होता है पार्टी हुआ जैसे कुछ हुआ तब मैं इसमें फ्राई करके, मतलब कि पहले प्याज को लहसुन को बस फ्राई करके फिर पीसती हूँ, गरम मसाला डालना ये सब कभी कभार कर देती हूँ, ऐसे नॉर्मल में जब बनाती हूँ। मेरे यहाँ पनीर की सब्ज़ी ज़्यादातर बनते रहता है तो मैं साधारण सा बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता खाने में, अब जल्दी बन भी जाता है, वो जल्दी बन के तैयार हो जाता है, वही नॉर्मल तरीका जैसे हर सब्ज़ी बनता है। पहले मैंने मसाला छोक दिया है, उसी में मसाला आधा लगभग पक गया 50%, तब सूखे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। अब सूखे मसाले डालने के बाद भी थोड़ी देर और भूनूंगी, थोड़ी तेल छोड़ दे मतलब मसाला, तब इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर हालांकि मैंने पीस के रख लिए, यहाँ देखिए कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया, तब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद भी इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी कि अच्छे से मसाला तेल छोड़ देगा, अब मतलब कि मसाला पक जाएगा ना अच्छे से तो फिर सब्ज़ी खाने में टेस्टी लगेगा। टमाटर डालने के बाद मैं ढक दूंगी इसको, ढक के पकाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा। इसको मैंने बीच में 2-3 बार चेक भी किया, ऐसा नहीं कि एक बार ढक के छोड़ दिया है, ऐसे तो नीचे से जल जाता है। अभी टमाटर भी तेल छोड़ दिया है, ज़्यादा तेल मैंने सब्ज़ी में हालांकि नहीं डाला है, आप देख भी रहे होंगे क्या कि मेरा पनीर फ्राई है तो उसमें भी तेल है। अभी पानी डाल के मैं ढक के अब पानी को पका लूँगी, उसी के बीच मैंने पनीर मसाला डाला है, मिक्स करके ढक के छोड़ दूँगी, उसके बाद ये पानी खोल जाएगा तब इसमें पनीर डालूँगी। यहाँ मेरा पानी खोल चुका है, पनीर भी मेरा फ्राई पहले से करके रखा हुआ है। पनीर डालने के बाद ही मैं इसको
ढक के कम से कम 10 मिनट और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। सब्ज़ी बन के मेरा तैयार हो जाएगा। कितना जल्दी सब्ज़ी बना है, मतलब कि लगभग 15-20 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ मेरा सब्ज़ी बन चुका है। अब देखिए तेल इसमें कितना है, क्या कि पनीर में भी तेल था इसलिए अभी ज़्यादा तेल लग रहा है। मसाला में हालांकि मैंने कम तेल डाला है। इसके बाद पनीर का सब्ज़ी है, तो पीयूष लग के बोल रहा था मम्मी पूड़ी बना दो। वैसे तो मैंने रोटी के लिए आटा लगाया है, पर दोनों को पूड़ी खाने का मन था तो मैंने दोनों के लिए पहले पूड़ी निकाल दिया है कि बच्चों को मन है तो बच्चे खा लेंगे, फिर हम सबके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। जैसे पीयूष के पापा, मेरा और मम्मी का, हम पूड़ी नहीं खाएंगे। रोज़ रोज़ पूड़ी अच्छा नहीं लगता है, तो रोटी बना लेंगे। केवल बच्चों के लिए पूड़ी है। इन दोनों को मैं खाना निकाल के दे दूँगी, उसके बाद गैस बंद करके छोड़ दूँगी। जब कोई सब कोई खाएंगे तभी बनाऊँगी, क्या कि अभी 8 बज रहा है, मेरे यहाँ इतना जल्दी खाना कोई नहीं खाता है। इनको भी भूख लगा है, तो पनीर का सब्ज़ी पूरी देख लिया तब भूख लगने थी। ये सब भी मेरे साथ भी खाना खाते हैं। यहाँ प्लेट लग चुका मेरे लिए, आप सब यही खाना खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।